टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वली। अभी मैं मल्टीपर्पज हॉल डिगलीपुर में खड़ी हूं और मैं बता दूं यहां पर डिगलीपुर पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। जैसे कि मैं बता दूं कि लॉस यानी कानूनी में जितने सारे चेंजेस आए हैं या नया कानून आया है जो कि चर्चा में बहुत दिनों से ही चल रहा है, और साउथ अंडमान से भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था जहाँ पर कहा गया था कि क्या क्या कानून आने वाला है और कब से ये लागू होने वाला है। जो आज यानी कि 1 जुलाई से जो है ये कानून आज से लागू होने वाला है, इस वजह से यहाँ के डिपार्टमेंट की ओर से एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे किया जा रहा है। आज उनको बताया जाए शॉर्ट में कि क्या क्या कानून जो है अभी से लागू होने वाला है, कौन सा कानून हट गया है, ऐसे बहुत सारे विषय जो है पब्लिक तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। जैसे आज से जो है कानून, नया कानून शुरू हो रहा है, आज 1 जुलाई 2024 है, आज से नया कानून शुरू हो रहा है हमारे भारतवर्ष में। पूरे भारतवर्ष में ये कानून आज से लागू होगा। उससे पहले मैं आपको पुराने कानून के बारे में थोड़ा सा बताना। हम लोग का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मेनली 3 लॉ के हिसाब से चलता है। पूरे इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है 3 लॉ के हिसाब से चलता है। एक IPC अभी तक जो चल रहा था मैं बता रहा हूँ, एक IPC, सेकंड जो है पहला IPC इंडियन पिनल कोड, सेकंड CRPC और थर्ड है एविडेंस एक्ट। ये 3 के तहत चलता था, यही हमारा रीढ़ का हड्डी था, मतलब हमारे पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का रीढ़ की हड्डी यही है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, अभी सोच लीजिए एक मर्डर हुआ है, मर्डर है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, और मर्डर में क्या सजा है वो जो है IPC में पता चलेगा, मतलब इंडियन पिनल कोड में पता चलेगा। और उस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट वगैरह कैसा किया जाएगा, या उसका मतलब जो भी प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस, अरेस्ट प्रोसेस, सीजर वगैरह जो है वो CRPC में बताएगा। और तीसरा लॉ है एविडेंस एक्ट, उसमें क्या है कौन कौन सा एविडेंस जो है कोर्ट में मान्य है, कौन सा मान्य नहीं है, वो सब बताया जाएगा एविडेंस एक्ट में। तो ये तीनों मिलाकर जो है हम लोग का लॉ चलता है, मतलब इंडिया का जो भी क्राइम होता है उसको बताने के लिए तीनों। तो ये जो है इंडियन पिनल कोड जो है 1860 ब्रिटिश ने बनाया, और एविडेंस एक्ट भी जो है 1872, CRPC भी पुराना है। ये तीनों जो लॉ है पुराना, आज से 150 साल पुराना सिस्टम है, पुराना सर, आज से 150 साल पहले का जो कंडीशन था, जो माहौल था, जो क्राइम था, उसके हिसाब से बनाया गया। तो भारत सरकार ने सोचा, हमारे जो मोदी सरकार जी है, मोदी जी की सरकार है, उसमें अमित शाह जी ने इसको इनिशिएट किया, 2019 में किया इनको। करने के बाद में तमाम ज्ञानी लोगों से, विद्वानों से, सब जगह से कलेक्ट किया कि वो जो पुराना लॉ है आज नहीं चल सकता है, आज के हिसाब से आज माहौल चेंज हो गया, 150 साल में बहुत कुछ आगे आ गया हम लोग। तो और वो ब्रिटिश किया वाला शासन, ब्रिटिश का शासन के समय का लॉ आज हमारे बीच में नहीं इम्प्लीमेंट ठीक से हो पा रहा था। तो उन्होंने 2019 में उसको गठन किया, उसका काफ़ी इसके बारे में सोच विचार करने के बाद में 2023 अगस्त में जो है ये बिल पार्लियामेंट में पास हुआ और एक्ट बन गया। तो ये तीनों एक्ट जो है चेंज होकर भारतीय दंड संहिता जो IPC है वो चेंज होकर भारतीय न्याय संहिता बना, भारतीय न्याय संहिता, उसको शॉर्ट फॉर्म में BNS कहते हैं। और जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, मतलब जो CRPC है, वो चेंज होकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 वो बना। उसके बाद में जो एविडेंस एक्ट है वो चेंज होकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बना। तो इस तरह 3 जो लॉ है बना है वो तीनों लॉ को रिप्लिकेट करके। तो मैं उस जो पुराने तीनों लॉ में है, वो पुराने तीनों लॉ में ब्रिटिश के जो उस समय का उनका वो अपना फेवर में बनाया गया और हमारे हित में नहीं था, वो इतना ज़्यादा हित में नहीं था। तो आज जो है हमारे जो कंडीशन के अनुसार बनाया गया, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊँगा। अभी का जो न्याय दंड बना है, मतलब अभी जो संहिता बना है, वो दंड को ज़्यादा नहीं समझ कर न्याय के ऊपर केंद्रित किया गया, मतलब दंड तो देना ही देना है लेकिन न्याय मिलना चाहिए, न्याय के ऊपर केंद्रित ज़्यादा किया। और सबके साथ समान व्यवहार इसका मुख्य विषय है, मतलब लेडीज जेंट्स दोनों के खिलाफ, पहले क्या है लेडीज को थोड़ा सा फेवर मिलता था, मतलब थोड़ा ज़्यादा उनका थोड़ा सा छूट था, वो कम करके दोनों को बराबर कर दिया अभी। और भारतीय नागरिक संहिता जो है वास्तविक भावना, आज का जो भावना उसको प्रकट करता है और हमारे मूल भावना के साथ में जुड़ा हुआ है ये तीनों जो संहिता बना हुआ है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब सेल्फ ये फ्रीडम, वो उसका गारंटी मिल रहा है। और ह्यूमन राइट्स को भी जो है इसमें बहुत ध्यान दिया गया है कि ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन ना हो, और
पीड़ित केंद्रीय केंद्रित न्याय सुरक्षित मतलब पीड़ित को भी न्याय मिले, मतलब उनको दंड मिलने से अच्छा, मतलब उनको दंड मतलब जो अक्यूज है उसको दंड मिलने से ज़्यादा जो है पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि आपको पता है तारीख पे तारीख सुना है आपको कि जो लेट होते जाता था हमारा पहले का जो भी, मतलब न्याय जल्दी मिले। क्योंकि एक क्या बोल रहे हैं कि डिले जस्टिस इज नॉट जस्टिस, मतलब डिले अगर जस्टिस हो रहा है तो जस्टिस नहीं है। अब आज अगर क्राइम हो रहा है और 20 साल बाद उसका अगर जस्टिस मिल रहा है तो जस्टिस मिल के क्या करेगा 20 साल के बाद, तो उसको वो सबको ध्यान दे के जो है आज का डेट में जो बहुत बढ़िया से नया कानून बनाया, सभी को अकाउंटेबिलिटी बनाया, पुलिस भी अकाउंटेबल है, पुलिस भी पहले का तरह नहीं, उससे जो है आईपीसी भारतीय न्याय संहिता, मतलब पहले आईपीसी में जो है 511 सेक्शन हुआ करता था, अब उसको घटाकर जो है 358 की 511 पहले हुआ करता था आईपीसी में, उसको घटाकर 358 कर दिया, 20 नए दारों को जोड़ा, अपराध जोड़े गए, कई अपराधों को अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया, मतलब बहुत सा अपराध को जो है न्यूनतम सजा दिया गया, 6 छोटे अपराधों को सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया। मतलब इसका मतलब ये था कि पहले क्या होता था, अभी पनिशमेंट आप लोग को क्या मानते हैं, पनिशमेंट बोले तो आप लोग क्या समझते हैं, एक डेथ मृत्युदंड, दूसरा उम्र के, तीसरा कारावास, चौथा सिंपल कारावास, उस तरह 4-5 था। अब जो है एक एक्स्ट्रा जोड़ा गया, जो छोटा मोटा क्राइम करता है उसको, मतलब उसको क्या किया जाएगा, उसको सामुदायिक सेवा करना पड़ेगा उसको, मतलब फॉर एग्जांपल किसी ने छोटा सा क्राइम किया जो बहुत बड़ा नहीं है, उसको बोलेगा आज बाजार साफ करेगा। तो ये जो मतलब सुधार के लिए भी कोशिश किया गया है ये कानून, मतलब आज जो है कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि आप आज दिग्लीपुर बाजार को साफ कर रहा है, आपका काम आज जो सफाई करेगा वहाँ पर, या वहाँ पर झाड़ू मारेगा, ये यहाँ पे उसको लेने से वो करेगा, ये वाला एक नया पनिशमेंट जो है लेके आया गया है ये कानून में। तो मतलब जितना भी हो सके मतलब न्याय और सुधार, क्योंकि अक्यूज एक बार क्राइम करता है इसका मतलब वो नहीं है कि जिंदगी भर क्रिमिनल है, उसको सुधारने का भी एक मौका देना चाहिए समाज में, क्योंकि एक बार वो गलत कर दे तो मतलब नहीं कि उसको कंटिन्यू चले, तो उसके लिए भी क्या किया गया है, तो वो सुधार के लिए भी छोटा मोटा गलती हो जाता है किसी किसी से, तो उस समय क्या उसको इस तरह सजा दिया जाएगा, ये नया ऐड हुआ है। और बहुत से अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया, कई अपराधों की सजा जो है अवधि बढ़ाया गया, पहले 7 साल का 10 साल बढ़ाया, 10 से तो 20 कराया, उम्र के तहत फांसी दिया गया, इस तरह सजा जो है बढ़ाया गया। इसमें क्या किया गया, सीआरपीसी में कुल सेक्शन है आज के डेट में 484 सीआरपीसी समझ गया ना, उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोलता, अभी पहले वो सीआरपीसी था, अभी वो बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसमें क्या किया, पहले 484 सेक्शन था, अभी उसको बढ़ाकर 531 सेक्शन किया गया, 177 धाराओं को थोड़ा मॉडिफाई किया गया, 9 नए धाराओं को जोड़ा गया और 14 धाराएं उसमें से निकाल दिया गया, हटा दिया गया। और इसमें क्या किया, मतलब जो सीआरपीसी आप समझ रहे हैं ना, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा आप कैसा इन्वेस्टिगेशन करें, कैसा केस को प्रोसीड करें, मतलब कैसा वो आईपीसी हम बता दिया जिसमें क्राइम का आपका सजा क्या है, कौन सा सजा करने से क्या, मतलब कौन सा गलती करेगा क्या सजा मिलेगा, वो आईपीसी में बताया जाएगा, लेकिन सीआरपीसी में मैं बताया था कि जैसा कैसा किया जाए उसको, वो जो है सीआरपीसी में बताया जाएगा। तो उसमें क्या किया, मैक्सिमम ज़्यादा जो है डिजिटल का यूज़ करने का परमिशन दिया गया, पहले जो वीडियो रिकॉर्डिंग सब जो है ये नहीं था, मतलब वो मान्य नहीं था कोर्ट में, तो वो सब अभी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए दिया गया, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए अलाउ किया गया, ताकि आज लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करके, मतलब जो पुलिस है वीडियो रिकॉर्डिंग साक्ष्य उसको मानना पड़ेगा कोर्ट को, उस तरह करा गया। मजिस्ट्रेट जो जुर्माना उसको बढ़ाया गया, उसको मतलब बढ़ाने का फेंक दिया, FIR जो है और EFIR और FIR, ये छोटा सा बता रहा हूँ, FIR मतलब करने, FIR पहले क्या था आपको, मतलब आप आना था पड़ताला थाना, अभी नहीं आएगा, अब सीधा आप अगर आ नहीं पाता है तो आप सीधा आप भेज सकता है अपना व्हाट्सएप या ईमेल से थाने को, और वो 3 दिन के अंदर आप आकर साइन कर दे सकते हैं, सिग्नेचर करना उसमें, तो आपको जरूरत नहीं है थाना आने के लिए, तो वो सबका प्रावधान किया गया, और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए जो है प्रावधान किया गया, ये आपका भारतीय नागरिक संहिता में। और इसके अलावा साक्ष्य में क्या हुआ, साक्ष्य में 167 धारा था, 167 धारा है, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया, 167 163 धारा से अभी 170 किया गया, और 24 धाराएं बदली गई, 2 नई धाराएं जोड़ी गई और 6 धाराएं उसमें से निरस्त किया गया, मतलब हटा दिया गया। तो इसमें भी बता रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड का साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है, मतलब इसको मान्यता देता है, रिकॉर्डिंग जो है मान्यता देगा। डिजिटल को पहले क्या हम लोग जो ओरल
एविडेंस देते हैं, आप लोग कोर्ट बहुत लोग गया होगा, जब हम लोग विटनेस देते हैं तो वो प्राथमिक मतलब प्राइमरी एविडेंस माना जाता था। तो अभी जो डिजिटल से जो वीडियो बना के गया उसको भी प्राथमिक बनाना पड़ेगा, तो वो माना गया, मतलब 61 डिजिटल रिकॉर्ड को जो है स्वीकार किया गया इसके मतलब आपको ये किया गया। और इसके अलावा जो है महिलाओं के किया गया नहीं आपराधिक कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटाने के लिए 37 धाराएं जो है मॉडिफाई और ऐड किया गया बच्चे और महिलाओं के खिलाफ जो ये होगा उसके लिए। और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ मतलब पहले क्या था, अगर कोई लेडी का लज्जा बंद करता है तो लेडी के खिलाफ में केस नहीं होता था, सिर्फ मेल का खिलाफ होता था, अभी उसको हटा दिया गया, मेल का खिलाफ फीमेल के खिलाफ में भी केस रजिस्टर होगा, अगर किसी फीमेल ने किसी फीमेल का लज्जा बंद किया या उसको गाली गलौज किया या मतलब कोई उसके खिलाफ में ऐसा बात बोला है जिससे उसका मॉडेस्टी को बंद हुआ है तो उसके खिलाफ में भी वो काम किया जाएगा। और 18 वर्ष से कम आयु के लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक दिया जाएगा। और झूठे वादे या छल द्वारा किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन करता है, मतलब मैं शादी कर लूँगा झांसा देकर अगर किसी के साथ में, पहले जो है वो रेप केस में लेके आता था, मतलब रेप वाले सेक्शन में लेके आता था, उससे जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता था क्योंकि कंसेंट मतलब सहमति के साथ में अगर कोई यौन संबंध होता है तो उसको रेप का इसमें नहीं माना जाता था। जब उसके लिए अलग से कोई सेक्शन नहीं था कि कोई सहमति के साथ में यौन संबंध होता है और वो इसलिए करता है उसको कोई जाता देता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा या मैं शादी करूँगा, तो उस कंडीशन में अगर वो करता है और उससे शादी नहीं करता है तो उसके खिलाफ में अलग से एक सेक्शन बनाएगा तो उसके खिलाफ में कर देते हैं। और चिकित्सा मतलब जो भी मेडिकल रिपोर्ट है वो 7 दिन के अंदर जो है जो भी महिलाओं के खिलाफ में जो भी जुर्म होता है उसका जो मेडिकल रिपोर्ट है उसका जो है 7 दिन के अंदर में मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है हम लोग को रिपोर्ट देना है। मतलब ये पूरा जो लॉ है मतलब जो तीनों लॉ है उसमें सबको मतलब टाइम बिंग कर दिया, टाइम बाउंड कर दिया, कोई नहीं बोल सकता कि जो है अब लेट करना है, पहले लेट होता था वो लेट नहीं, इवन मजिस्ट्रेट जज को भी न्याय प्रणाली को भी बंदिश कर दिया कि वो भी जो है उसका ट्रायल शुरू करे और जजमेंट जल्दी दे, मतलब सबके लिए किसी के लिए ये नहीं छोड़ा है। तो आगे जो है हमारे साथ में दो और सभी अभी एक जगह में आप देखा है कि आपका एक रईस दादा का एक लड़का जो है आपका एक दो तीन लड़का को गाड़ी से कुचल दिया, लेकिन उसके लिए एक सजा दिया है कि वो आपका जैसा आप लोगों ने बोला कि वो 3 दिन तक अपना बाजार को सफाई करना, तो अगर 3 दिन को अगर कुचल जाता है तो बाजार बाजार सफाई करना ये तो कोई कानून में आता नहीं। अगर इसलिए बोल रहा है कि मतलब रईस दादाओं के लिए या हाई पावर के लिए चाहे पॉलिटिकल लीडर हो और चाहे पुलिस वाला हो या कोई शक्तिशाली लोग हैं उसके लिए क्या क्या कानून अमेंडमेंट हुआ है अगर कुछ हुआ है तो? उसके लिए तो बहुत ही सॉफ्ट है टारगेट, उसको बहुत सॉफ्ट है कानून, अब वो निर्भया हत्याकांड उसका मैं भी उसको कुछ किया नहीं, 3 साल में उसको छोड़ दिया गया क्योंकि कानून वही बोल रहा है, आज भी बोल रहा है कि उनको जो है 18 से नीचे जो उनको वो रेस्पेक्ट से उनको ट्रीट करना चाहिए, मतलब जो भी जुर्माना है तो लड़की हो लड़का हो मेल हो फीमेल हो उनको उस तरह रेस्पेक्ट से देना देखना चाहिए, तो अगर वो क्राइम करता है तो फिर उसको सजा करना पड़ता है जो भी है वो जितना भी बड़ा क्राइम डाले तो अकॉर्डिंगली वो सजा करता है। मुझे ये जानना है अगर कोई महिला का साथ में झूठ बोल के उसका साथ में रिलेशन
ऐसा वाहन करता है कोई भी तरह का किसी भी हालत में हमको छोड़ेगा नहीं, तो ऐसा हालत में उनका